जनपद शाहजहांपुर मिर्जा कस्बे से परौर को जाने वाला रोड ग्राम बहरिया में बरसात और घरेलू नालियों के पानी का निकास नहीं होने से तालाब बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस तालाब नुमा रोड पर रोककर रोड का ऊंचा तथा नालियों के पानी के निकास की व्यवस्था करवाए जाने की मांग की, किंतु किसी ने भी उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मंगलवार को बहरिया गाँव के ग्रामीणों ने एक बार फिर उसी तालाब नुमा रोड पर प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन को अवगत करवाने की शीघ्र रोड को ऊंचा नहीं करवाया गया और नालियों के पानी के निकास की व्यवस्था नहीं करवाए जाने पर ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन करने वालों में जितेंद्र शर्मा, राजीव गुप्ता, अनिल शर्मा, अनंत प्रकाश गुप्ता, ओमपाल सिंह चंदेल, दिलीप गुप्ता, मुकेश सक्सेना, मुख्यातर अहमद इब्रार, राम निवास शर्मा आदि शामिल थे। जितेंद्र कुमार जी, ये बताइएगा आप, ये जो रोड की दयनीय स्थिति है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में कई बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है और सब कुछ आजाद देश के अंदर, यहाँ पहली बार न नाली है न पानी निकलने की कोई व्यवस्था है, और मतलब ऐसा पड़ा लोग अपने पैसे इकट्ठे करके खंजड़ा इसमें डालते हैं, कहीं ईंटें डालते हैं जिससे निकलने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी लोग गिरते हैं, पटके खाते हैं और पानी की बरसात में इतनी दिक्कत हो जाती है, दलदल रूप में ट्रांसफर हो जाता है।